नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। आपको बता दें कि पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर राजनाथ सिंह ने सवाल खड़े किए, जिसको लेकर सांसद राघव चड्ढा और आप प्रवक्ता मलविंदर कांग ने पलटवार किया है। कहा है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पंजाब को लेकर की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि मणिपुर को लेकर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आपको गलत जानकारी मिली है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले कुछ दशकों की तुलना में काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुंची है। चड्ढा ने कहा कि मणिपुर जल रहा है, लाखों लोग बेघर हुए हैं, हजारों की मौत हो गई है। अन्य राज्यों पर उंगली उठाने से पहले मणिपुर की जिम्मेदारी लें। आपको बता दें कि सांसद राघव चड्ढा के अलावा आप प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग ने भी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री पंजाब के बारे में तो चिंतित हैं, लेकिन पंजाब को लेकर बेखबर हैं। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह को पंजाब पर बयान देने से पहले मणिपुर के हालातों पर ध्यान देना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री गैर बीजेपी शासित राज्यों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में शनिवार को एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर पंजाब सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है और भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोग सभी शिकायतें भूल जाते हैं और एक साथ खड़े होते हैं। उन्हें उम्मीद है कि पंजाब सरकार कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक कदम उठाएगी, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं कर रही। आपको राजनाथ सिंह का वो बयान सुनाते हैं। आज जो सरकार है पंजाब में, उस सरकार के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कैसी स्थिति है, आज वहां की क्या स्थिति है। कानून और व्यवस्था के हालात को संभालने के लिए आपके द्वारा पहल की जानी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं यह सरकार इस काम को नहीं कर पाती है। तो देखा आपने किस तरीके से राजनाथ सिंह ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था, जिसका जवाब देते हुए सांसद राघव चड्ढा ने भी उन पर पलटवार किया। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज़। धन्यवाद।